दोस्तों आज की इस वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो होने वाली है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, यानी क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के रिलेटेड। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे साथ बने रहना वीडियो में, क्योंकि वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ और उस चीज़ों को फॉलो करके आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में हेल्प होगी, यानी मदद होगी आपको। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार मैं गुजारिश करता हूँ, आपको वीडियो में बने रहना है मेरे साथ स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हो, आज मैं आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है, वो अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों अपडेट छोटा रहेगा लेकिन आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा काम का अपडेट है, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में स्टार्ट से लेकर आखिर तक। दोस्तों अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज का हमारा जो अपडेट है वो जो एस बैंक की तरफ से एस पे एप्लीकेशन था तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप लोगों को बताइए कि एस बैंक को RBI की तरफ से जो कुछ नोटिस आई थी, जो रिस्ट्रिक्शन आया था, उसकी वजह से हमारा एस पे एप्लीकेशन भी काम करना बंद हो चुका था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एस पे एप्लीकेशन अभी पुराना यानी जैसे चलता था वैसे चलने लगा है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा अल्ट्रा कैश एप्लीकेशन को यूज़ करके एस पे का जो वॉलेट है उससे आप अपने अकाउंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन मैंने कल किया था उसका मैं आप लोगों को छोटा सा जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एस पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को पहले यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने पैसे ऐड किए थे और उसको मैंने अपने अकाउंट में अल्ट्रा कैश के थ्रू कैसे किया। तो मैं थोड़ा पॉज करके आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एस पे एप्लीकेशन मेरे सामने ओपन है, मीन्स आप लोग भी उसे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैलेंस है 188 रुपीज़। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में लेके जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि रिसेंट ट्रांजेक्शन मैंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ पर मैं पैसे ऐड किया हो या स्पेंड किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर वॉलेट वाला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं 108 रुपये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो 100 रुपये डेबिट हुए थे वो अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 100 रुपये एक बार मैंने डेबिट किया था अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजी पे, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा था, तब मेरा बैलेंस 188 था। उसके बाद आप देख सकते हो 1012 रुपये, जो 1000 रुपये हम अपने बैंक अकाउंट में सेंड करते हैं और 12 रुपये उसको चार्ज लगता है। तो ये आप देख सकते तो 19 मार्च ये तीनों डेट देख के आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन सच में हुआ था, यानी आप लोगों के लिए ये तरकीब काम करे। तो आप नीचे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1400 रुपये ऐड किया था, 1400 में से एक बार मैंने 1000 रुपये भेजा, उस पर मुझे चार्ज लगा 1200 रुपये, मीन्स मैंने 1012 रुपये यहाँ पर डिडक्ट हुए। उसके बाद आप देख सकते हो 2 बार 100 रुपये डिडक्ट हुए, मीन्स 1212 रुपये, और 1400 में से 1212 गए, 188 रुपीज़ मेरे शेष है जो आप लोगों को यहाँ पर मेरे वॉलेट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे वॉलेट में वो पैसे ऐड है और मैं आप लोगों के लिए इसलिए नहीं दिखा सकता ट्रांजैक्शन करके कि अभी मेरा जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है आज की। तो कल यदि आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई एक ट्रांजैक्शन करके दिखाओ, वैसा आप कमेंट करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए अभी अल्ट्रा कैश एप्लीकेशन में जाके हम एक बार चेक करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अल्ट्रा कैश में आप लोगों को चेक करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दिया है कि पैसे कहाँ पे और कैसे कटे। तो भी मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, तो थोड़ा पाउच कर लेता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा अल्ट्रा कैश लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों का एक पेमेंट अलर्ट आ रहा है, ये जो मुझे उस समय भी आया था कि वी आर फेसिंग इशू विथ मनी ट्रांसफर थ्रू डेबिट कार्ड, रिक्वेस्ट यू टू यूज़ UPI फॉर मनी ट्रांसफर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने तो रिस्क ली थी, आपको यदि लग रहा है कि रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आप वेट करो कि इनका जो इशू है जो ये इशू फेस करे वो थम जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये रिस्क लिया था और मैंने ट्रांजेक्शन किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये तब से ही है, यानी 19 तारीख से ही आप लोगों को ये देखने को मिल रहा था कि ये आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है अभी भी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ कि जो मेरे ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, मैं आप लोगों को लेटेस्ट ट्रांजेक्शन में लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा कुछ
जो अकाउंट जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाया था वो स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। 100 रुपये 100 रुपये उसके बाद 1012 रुपये, तो आप देख सकते हो 3 ट्रांजेक्शन। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो नीचे भी आप लोगों को 16, ये देखो मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन 16 जनवरी का था, उसके बाद 16 जनवरी, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे 19 मार्च। 16 जनवरी के बाद डायरेक्ट हम मार्च में आए क्योंकि तब तक हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था। जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ तो 19 मार्च की ये जो ट्रांजेक्शन है और डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ से किए। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार नोटिस दे देता हूँ कि यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन को थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है जो ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप यदि रिस्क लेना चाह रहे, यानी आपको लग रहा है कि मेरा पैसा यहाँ पे अटक जाएगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसको निकाल लूँगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे मेरा पैसा अटका तो मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इनसे कैसे लड़ना है। किसी भी एप्लीकेशन पे पैसा फंस जाता है तो उसको निकालने का तरीका मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन ये आप लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग यहाँ पे रिस्क लेना चाहोगे। यदि आपको लगता है कि भाई मैं रिस्क ले लूँगा, यहाँ पे पैसे अटक नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि अटका नहीं है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेस हुए। और आज मैं आप लोगों को बता दूँ, आज अपन अपना डेट है 21 जनवरी, ओके सॉरी 21 मार्च, और यहाँ पे 19 मार्च को मैंने ट्रांजेक्शन किया था और उस समय भी ये डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, 21 अब आज है अपना 21 मार्च दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो डिटेल्स थी, ये जो ट्रांजेक्शन था जो मैंने 19 मार्च को किया था, तो उस समय भी सेम वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, सेम इशू वो बता रहे थे कि हमें इशू है, लेकिन मेरे ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुके थे। तो मैं आप लोगों को फिर से गुजारिश करता हूँ, यदि आप लोगों को खुद के ऊपर रिस्क लेना है तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप नो ब्रोकर्स के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो छोटा सा अपडेट्स था जो देने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या आप लोगों को वो जो देने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों अभी एस पे से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एस पे आपके लिए अभी खुला हो चुका है, तो आप उससे अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बुरी लगती है तो भी कमेंट करें, बताइए कि क्यों बुरी लगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।